ठीक है बच्चों, तो चलिए कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चंस क्या है, 11 टाइप ऑफ एपीजेटी डायरेक्ट लिखिए, क्या हो जाएगा ए प्लस, डायरेक्ट लिख सकते हैं 10D, अच्छा लो फॉर्मूला ही लिख देते हैं, यानी क्या होगा ए प्लस 10D इक्वल टू 80। उसके बाद क्या बोला, 16 टाइम इज 110, यानी ए प्लस 15D इक्वल टू 110। और क्या बोला, 31 टर्म फायदा करना है, तो ये बहुत ईजी है ना, इक्वेशन वन, इक्वेशन टू क्या करेंगे बच्चों, T11 दिया हुआ, यानी 11 को वैल्यू हम लिख दिया यहाँ पे, क्या किए वहाँ पे ये देखो आप, T11 दिया हुआ है, T11 इज 80, T11 क्या होगा A प्लस एन माइनस डी, है ना फॉर्मूला, तो A प्लस 10D इक्वल टू 80। T16 दिया हुआ है, T16 यानी A प्लस 15D, कहाँ से A प्लस 15D, तो कहेंगे सर TN का फॉर्मूला होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो T16 हो गया A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A प्लस 15D। तो ये आप हमेशा याद ही रख लीजिए, यानी कि जो आपसे पूछा जाए T17 तो A प्लस 16D, अब देखिए ध्यान ही रखिए, बोलेगा T99 A प्लस 98D, है ना, जितना ध्यान रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर देखो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं T16, तो T16 क्या लिख सकते हैं A प्लस 15D इसका डेक्स से। अब बताओ T89, है ना, तो T89 क्या जगह A प्लस 88D, तो चलिए ठीक है। अब बताओ इक्वेशन वन इक्वेशन टू में दोनों में एक कॉमन है, ऐसा करते हैं एलिमिनेशन मेथड, 1-2, है ना, दोनों इक्वेशन को सॉल्व भी करना होगा ना हम लोग क्या करना होगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, तो A प्लस 10D इजकल टू 80 और A प्लस 15D इजकल टू 110, सब्ट्रैक्ट कैंसिल आउट, -5D -30D का वैल्यू 6, क्या यहाँ तक क्लियर है सबको। एक क्वेश्चन बहुत ईजी है बच्चों, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है, आप लोग 10 में बनाए हो इसलिए आप लोग को और इजी लग रहा होगा, है ना, और जिसको इजी नहीं लग रहा वो समझा तो नहीं है ना, समझ में तो आ ही रहा होगा, है ना। तो डी का वैल्यू 6 आ गया, तो डी का वैल्यू 6 आ गया, पुट द वैल्यू ऑफ डी किस में, इक्वेशन वन में, तो क्या हो गया ए प्लस 10D इक्वल टू 80, ए का वैल्यू 6, सॉरी डी का वैल्यू 6 ना, तो 60 हो गया, यानी ए का वैल्यू 20, एक वैल्यू क्या है 20। अच्छा फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, फाइंड आउट करना है T31 ना, T31 फाइंड आउट करना है, चलिए T31 फाइंड आउट करते हैं, बस स्पेस नहीं है, चलो यहीं पे लिख लेते हैं T31 क्या हो जाएगा, ए प्लस 30D है ना, डायरेक्ट बता देंगे ए प्लस 30D, ए का वैल्यू 20, 30 × 6 200, कितना आ जाएगा बच्चों 200 आंसर आ जाएगा, तो T31 का वैल्यू कितना 200। आई होप क्वेश्चन इज, तो चलिए बच्चों लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 5 टर्म द फर्स्ट टर्म, अच्छा जो छठा टर्म है वो 5 टाइम्स है किसके, फर्स्ट टर्म के, एंड द 11th टर्म एक्सीड ट्वाइस द 5th टर्म बाई 3, है ना, जो 11th टर्म है वो ज्यादा है, कितना ज्यादा है एक्सीड, कितना ज्यादा है ट्वाइस, दुगना ज्यादा है, और द 5th टर्म बाई 3, है ना, तो फाइंड द 8th टर्म, तो हमें इसमें क्या निकालना बच्चों, 8th टर्म निकालना है। तो आपको इसमें क्या करना है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ आपको ये करना है कि जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ उसको आप एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दीजिए, अगर आपको स्टेटमेंट को एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए आता है तब ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, अगर नहीं आता है तो चलिए सीखते हैं, है ना। क्या है द सिक्स्थ टर्म, सॉल्यूशन को अगर हम लिखते हैं सिक्स्थ टर्म, तो सिक्स टर्म ऑफ एन एपी इज, इज का मतलब मैथमेटिक्स में होता है बच्चों इक्वल, इज का मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में इक्वल, तो सिक्स टर्म इज 5 टाइम्स द फर्स्ट टर्म, 5 टाइम द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म तो हम यही सपोज करते हैं, फर्स्ट टर्म क्या सपोज करते हैं बच्चों ए, हम इधर फर्स्ट टर्म क्या सपोज करेंगे ए, तो एक ही क्वेश्चन हो गया, एंड 11th टर्म T11 एक्सीड, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है तो 3 ज्यादा है, तो हम 3 ऐड कर देंगे, 11th टर्म 3 ज्यादा है ना, सबसे पहले एक्सीड है तो ये 3 ज्यादा है, 3 इधर ऐड कर लें क्योंकि इधर 3 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, किससे ट्वाइस ऑफ द 5th टर्म से, किससे बच्चों ट्वाइस ऑफ द 5th टर्म से, बस यही करना था, ट्वाइस ऑफ द 5th टर्म से, पहला वाला इक्वेशन लिखा गया 6th टर्म, 6th टर्म इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ ए, 5 टाइम्स ऑफ ए, 11th टर्म, 11th टर्म एक्सीड, कितना एक्सीड बाई 3, एक्सीड बाई 3, इसको हम एक सेकंड के लिए इग्नोर करेंगे, एक्सीड बाय 3, एक्सीड है 3 ज्यादा, 3 ऐड कर दिए किससे, तो ट्वाइस ऑफ द 5th टर्म, ट्वाइस ऑफ द 5th टर्म, क्लियर कॉन्सेप्ट यहां पे, है ना, यानी T11 एक्सीड कर रहा है 3 ज्यादा है किससे, ट्वाइस ऑफ द 5th टर्म से। अब इसके बाद आपको नॉर्मली सॉल्व करना है बच्चों, सॉल्व करना है, अब तो सब क्लियर हो गया ना, T5 A प्लस 5D 5A
इसके मतलब क्या हो गया, 5 इज इक्वल टू 5a माइनस a 4a, यानी 5 इज इक्वल टू 4a आ गया। अब जिसका जरूरत पड़ेगा उसका जरूरत हम यूज करेंगे। यहाँ पे देखते हैं t11 a प्लस 10d 2 a प्लस 4d, यही ना t5 हमारे पास क्या हो गया, a प्लस 4d हो गया प्लस 3, तो आपके पास क्या आ जाएगा a प्लस 10d इज इक्वल टू 2a प्लस 8d प्लस 3, है ना। अगर हम a को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, सबको उधर ही ले लिया, इधर उधर या इधर किधर भी कर लो, उधर ही अगर लेके जाते हैं तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 0, 2a माइनस a, तो आपके पास आ गया a माइनस 2d प्लस 3, a माइनस 2d प्लस 3। अच्छा चलिए इसको सॉल्व कर लेते जल्दी से, तो सॉल्व कर लेते, इसको भी हम इधर ले आते हैं, ज़्यादा अच्छा है, 2d है ना, वैल्यू पुट कर दो बच्चों, d का वैल्यू पुट कर दो, है ना, d का वैल्यू हो जाएगा 4a/5, d का वैल्यू क्या होगा 4a/5, तो पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d, 0 इक्वल टू हो गया a, a माइनस 2 इंटू d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू 4a/5 प्लस 3, डी वैल्यू क्या 4a/5 प्लस 3, तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 5, ठीक है, तो दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 × 0 0, ये हो जाएगा आपके पास माइनस 3a प्लस 15 = 0, है ना, तो माइनस 3a माइनस 15 इसके बाद वाला स्टेप यहाँ लिखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन वन, है ना, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन वन, ए का वैल्यू 5 है तो 5 पुट कीजिए यहाँ पे, पहले a लिख लो उसके बाद पुट कर लेना, 5 कट गया, क्या आ गया बच्चों 4, तो a का वैल्यू 5 आया, d का वैल्यू 4 आया, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, जैसे a और d निकल गया उसके बाद आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेनली आपको अगर ap निकालना है, ap का कोई भी टर्म निकालना है, तो आपको a और d निकालने आना चाहिए, है ना, a और d फाइंड आउट करने आना चाहिए, अगर a और d जैसे फाइंड आउट हो जाता तो आपका काम बन जाएगा। तो a का वैल्यू क्या है 5, और d का वैल्यू क्या है 4, है ना, a का वैल्यू क्या है 5, और d का वैल्यू क्या है 4, तो निकालना क्या है फाइंड द 8th टर्म, तो t8 आपके पास कितना हो जाएगा a प्लस 7d, ये जो आपके पास होगा बच्चों a प्लस 7d, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू तो दिया हुआ 5, और d का वैल्यू क्या है बच्चों, d का वैल्यू 4, तो आपके पास हो जाएगा 33, t8 का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 33। चलो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 5, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 5, यानी कि टू डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल है, हां टू डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल है, तो सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा ना कि टू डिजिट में टोटल नंबर कितना है हमारे पास, है ना, टू डिजिट में टोटल कितने नंबर आते हैं, तो टू डिजिट का मिनिमम नंबर क्या है आपके पास, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ टू डिजिट 10, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ टू डिजिट कितना आ गया 10, और उसके बाद हमारे पास आ गया 11, 12, 13, 14, 98, 95, 96, 97, 98, 99, तो टू डिजिट का टोटल नंबर हमारे पास यह 10 से स्टार्ट होकर कहां तक जाएगा मैक्सिमम 99 तक जाएगा, टू डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 10, टू डिजिट का मैक्सिमम नंबर 99, यानी 10 से स्टार्ट होकर 99 तक जाएगा। अब क्वेश्चन इसमें है कि टू डिजिट में कुल कितना ऐसा नंबर है, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, कुल कितना ऐसा नंबर जो 5 से डिविजिबल है बच्चों, 5 से क्या है डिविजिबल है, तो पहला नंबर आपका क्या हो जाएगा, पहला नंबर तो 10 ही हो गया, 10 से तो 5 से डिविजिबल है ही, है ना, पहला नंबर आपका क्या हो गया बच्चों 5 से डिविजिबल 10 है, तो आपको यहां पे लिख देंगे नंबर्स, पहले लिख दो आर इन टू डिजिट, ये हो गया आपका, है ना, और डिजिट या फिर नंबर लिखो, नंबर विच आर डिविजिबल 5 by 5, विच आर डिविजिबल बाई 5, तो 5 से डिवाइड होने वाला नंबर कौन है, सबसे पहले आपका क्या हो गया 10, 10 के बाद क्या आएगा 15,
15 के बाद क्या आएगा? अब बताओ, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, कहाँ तक मैक्सिमम? 99 पाँच से डिवाइड है? नहीं, 98 नहीं, 97 नहीं, 96 नहीं, नहीं 95 तक, मैक्सिमम तो 95 ही तक जा सकता है ना। यानी हमारा 5 से 10 से स्टार्ट होकर के 10 के बाद 15, 20, 25 मैक्सिमम क्या आ जाएगा? 95 हो जाएगा। अब इसमें सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछे कि टोटल कितना टर्म होगा, यानी टोटल कितने नंबर्स है, हाउ मेनी डिजिट्स है ना, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर डिवाइडेड बाय 5। यानी आपको क्या पता करना है, टोटल कितने टर्म है, क्योंकि 5 से डिवाइड है। तो आपके पास तो एपी आ गया ना, तो फर्स्ट टर्म आपको क्या हो गया 5, फर्स्ट टर्म क्या हो गया 10, डी इक्वल टू 5, और ये आपका हो गया टी एन। इसको टी एन बोलो या एल बोलो, बात बराबर है। एल को भी हम लोग बोलते हैं टी एन, टी एन मतलब लास्ट, एल मतलब लास्ट टर्म, एल का मतलब क्या होगा बच्चों? लास्ट टर्म। तो फिलहाल इसको टी एन ही जाने देते हैं। टी एन हो गया आपके पास 95, आपके पास एक टर्म है जिसका वैल्यू है 95। तो एन निकालना है यहाँ पे, क्या निकालना है बच्चों? एन की कितना टर्म है। तो फॉर्मूला लग गया यहाँ पे ना, यानी कि 95 एक टर्म है, कौन से नंबर पे टर्म आएगा वो टर्म पता करना है। तो T 95 A n माइनस 1 D 5, 10 इधर सब्ट्रैक्ट, 10 इधर सब्ट्रैक्ट हो गया, तो आपके पास बचा 85, ये इधर डिवाइड हो गया 17, यानी इनका वैल्यू क्या आ गया बच्चों? 18। वन है तो यहाँ पे एक प्लस ही होगा ना, तो इनका वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 18। तो आपके पास टोटल 18 डिजिट ऐसे है, ऐसे है, देयर आर, ऐसे लिखेंगे देयर आर टोटल 18 डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर, 18 नंबर्स लिखना है यहाँ पे, 18 नंबर्स यानी 18 टर्म, ये भी लिख लो, ऑफ टू डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई, डिविजिबल बाई 5। यानी कि टोटल आपके पास 18 ऐसे नंबर हैं जो कि 5 से डिवाइड है। तो बनाने का तरीका बच्चों एकदम सिंपल है, आपको क्या करना है, सबसे पहले टोटल टू डिजिट का नंबर लिख लेना, टोटल टू डिजिट का नंबर लिख लेना 10 से लेकर के 99 तक। उसके बाद क्या करना है, जो नंबर बोला गया है नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5 उसकी बात करना है। तो 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, लास्ट 95 तक जाएगा। इससे आगे हमारा टू डिजिट का नंबर डिवाइड नहीं है। आपके पास ए है, डी है, डी क्या 15 माइनस 10 डी 5 हो गया है ना, आपके पास टी एन है। आपको पूछ रहा है कि यहाँ तक पहुँचने में टोटल कितना टर्म लगेगा, यानी टोटल कितना टर्म है ना, टोटल कितना टर्म है, या तो क्या दिया होगा टी एन, तो टोटल कितना टर्म है। तो आपको जनरली एन का वैल्यू निकालना था, और इन्हीं हमारे पास क्या हो गया, नंबर ऑफ टोटल टर्म। कहानी क्लियर है बच्चों? काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए तो तीसरा क्वेश्चन हम इसी टाइप पर देते हैं। अब हाउ मेनी टू डिजिट का जगह पर ले लेते हैं, सिंपल सेम इसी टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ये। हाउ मेनी थ्री डिजिट ले लेते हैं बच्चों, इसको आप सॉल्व कर देखिए, आर मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7, यानी कि हाउ मेनी थ्री डिजिट्स आर मल्टीपल ऑफ 7, 7 का थ्री डिजिट का कितना ऐसा नंबर है जो कि 7 का मल्टीपल है, थ्री डिजिट का कितना ऐसा नंबर है जो कि 7 क्या है बच्चों? मल्टीपल है। तो क्वेश्चन सेम है, पैटर्न सेम है, डिविजिबल बोलो या मल्टीपल बोलो, वो भी पैटर्न आपका सेम है। इसको आप बनाने के पहले कोशिश कीजिए है ना, 2 मिनट वीडियो पॉज करके इसको बनाने का जरूर ट्राई कीजिए। क्लियर है? ट्राई कर लिए होंगे अभी तक। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हाउ मेनी थ्री डिजिट आर मल्टीपल ऑफ 7 नंबर, हाउ मेनी थ्री डिजिट, थ्री डिजिट नंबर्स होगा ना, थ्री डिजिट नंबर्स होगा, हाउ मेनी, पिछले वाले क्वेश्चन में भी शायद नंबर नहीं लिखे होंगे, तो पिछले वाले क्वेश्चन में भी नंबर ही होगा है ना, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 5। अब यहाँ पे क्या है, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 7, तो थ्री डिजिट नंबर आर मल्टीपल ऑफ 7, तो नंबर आर इन द थ्री डिजिट, क्या क्या हो जाएगा बच्चों? तीन डिजिट का नंबर क्या क्या हो जाएगा? मिनिमम 100, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ थ्री डिजिट 100, 101, 102, 103, 105, इसी तरह से मतलब बढ़ते जाएगा है ना। उसके बाद आएगा आपके पास 998, 997, 999 होगा ना, उससे पहले 997 हो जाएगा, या फिर 6 7 8 999 कॉमा कॉमा कॉमा, ठीक है, यानी 996 997 998, यानी 100 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जाएगा बच्चों? 999 तक जाएगा। तीन डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 100 और मैक्सिमम नंबर 999, यानी 100 से स्टार्ट होकर कहाँ? 999 तक जाएगा। चलिए अब आपके पास क्वेश्चन क्या बोला था कि 7 का मल्टीपल, तो मल्टीपल ऑफ 7 इसमें कौन कौन है? मल्टीपल ऑफ 7 तो ये है
मल्टीपल ऑफ सेवन करेंगे मतलब सेवन से डिवाइड हो सकता है, डिवाइड करके चेक कर लेंगे सेवन का मल्टीपल है, डिवाइड कर चेक किए नहीं, इसको चेक करो नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, अगला है ये है, देखो डिवाइड करके चेक करो ना, मल्टीपल चेक करना मतलब डिवाइड करके चेक कर लीजिए आप, एक सेवन थ्री फाइव पंद्रह पैंतीस यानी पंद्रह में आ रहा है, कितने टाइम्स है फिफ्टीन टाइम्स, यानी कि ये डिवाइड हो रहा है, यानी कि मल्टीपल होगा तब ना डिवाइड होगा। मैं एक लाइन का बात बताते बच्चों, जो नंबर मल्टीपल होगा वही डिवाइड होगा, यानी अगर सात से किसी को डिवाइड कर रहे हैं इसका मतलब वो सात का मल्टीपल है, फाइव से किसी को डिवाइड कर रहे हैं इसका मतलब वो फाइव का क्या है मल्टीपल है, तो मल्टीपल बोलिए या डिवाइड बोलिए वहां पे कॉन्सेप्ट सेम हो जाता है, पहले मल्टीपल होगा तभी वो डिवाइड होगा सात से, नहीं तो नहीं होगा, यानी डिवाइड हो रहा है सात से इसका मतलब क्या है सात का मल्टीपल है। तो पहला नंबर क्या है आपके पास 105, जाहिर सी बात है जो अगला नंबर होगा इसमें सात ज्यादा होगा, अगला नंबर होगा वो कितना होगा इसमें सात ज्यादा होगा, इसके बाद 112 होगा पांच से सात के मल्टीपल, 119 होगा, अब ये डॉट डॉट बढ़ेगा कहां तक जाएगा ये है चेक कर लेते हैं, अब हमको तो नहीं पता है या नहीं है, कितने बार में सात 28 सॉरी यहाँ पे 29 ना हो गया, एक नौ फिर सात दिन 14 दो बार में पांच, अच्छा रिमाइंडर पांच बचा, इसका मतलब पांच माइनस करेंगे तो नाइन में फाइव माइनस करेंगे, यानी कि हमारे पास जो आंसर होगा 994 वाला आंसर होगा, क्या आंसर होगा बच्चों 994, यानी लास्ट टर्म जो होगा हमारे पास 994, यानी ये बढ़ते बढ़ते आपके पास क्या आ जाएगा 994, इधर के लिए यानी स्टार्ट हुआ 105 से, उसके बाद 105, 112, 119 बढ़ते बढ़ते कहां तक गया बच्चों 994, तब आपको सिर्फ ये पता करना है कि 105 ले गए जो 994 मिल गए इसमें टोटल कितना टर्म है, क्योंकि यही पूछा हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर, है ना, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स, यानी टोटल कितना टर्म है आपको यही फाइंड आउट करना है, तो टोटल कितना टर्म में फाइंड आउट नहीं होगा बच्चों, अभी भी तुम बताएं तो उसको जस्ट बना लो ना, अब तो आप इसको बना सकते हो, ए का वैल्यू 105, डी का वैल्यू 7, टी एन 994, एन का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है 994 इक्वल टू 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7, इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 8, सब्ट्रैक्ट कर ले लो 994 माइनस 105 9 हो गया 8 8 8 9, है ना, हाँ ठीक है 9 8 8, उसके बाद इधर आ गया, इधर एक सब्ट्रैक्ट हो गया 994 माइनस 105 इक्वल टू 8 माइनस 1 इक्वल टू 7 8 8 9, ठीक है, तो सात से इसको हम डिवाइड करेंगे तो अगले बार में आ जाएगा 889 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 8 माइनस 1, सात से इसको डेली डिवाइड करो इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 14 2 1 2 7 इक्वल टू 8 माइनस 1, है ना, तो 1 को इधर आ जाएगा था हमारे पास कितना आ जाएगा 128 इक्वल टू 8, यानी हमारे पास कितना टोटल नंबर होगा बच्चों देयर आर 128 नंबर, है ना, लिख सकते हैं देयर आर 128 नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 7 इन थ्री डिजिट, हमारे पास टोटल 127 नंबर है जो कि क्या है 7 के मल्टीपल होंगे कितने डिजिट में थ्री डिजिट में, कॉन्सेप्ट क्लियर है, पिछला वाला क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट में था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, अक्सर दो नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है अक्सर दो नंबर में, इस टाइप का क्वेश्चन आपका आ जाता है, तो इसको हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए आपके लिए बेटर ही है ना, तो करना क्या होता कुछ नहीं, जो भी हमें है सबसे पहले यहाँ पर टर्म लिख देंगे, उसके बाद सेवन का मल्टीपल है या सेवन का डिवाइड है या फिर कोई भी और टर्म का मल्टीपल है कोई भी और टर्म का डिवाइड है, फर्स्ट टर्म चूज करेंगे, सेकंड टर्म चूज करेंगे और लास्ट टर्म चूज करेंगे, आपको मेन फर्स्ट एंड लास्ट का ही जरूरत पड़ेगा, है ना, 105 डी से निकल गए सब तरह, वैसे भी हम जानते हैं कि अगर सात का मल्टीपल होगा तो सात का डिफरेंस, पांच का मल्टीपल होगा तो पांच का डिफरेंस, फाइव का डिवाइड होगा तो फाइव का डिफरेंस, बस तो डी निकालना कोई रीजन और वेरी बिग डील, टी एन 994 इनका वैल्यू निकालना, यानी खत्म, क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बच्चों, ये हमारा लास्ट टर्म निकालना है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा बहुत इजी है, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट, फाइंड द 20th term from the last question है last of the AP, आपके पास question हो गया 3 18 13 253, 3 18 3 8 13
आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द 20th टर्न फ्रॉम द लास्ट ऑफ एन 80 3/8/13/253। आपको लास्ट इसमें 20th टर्न फाइंड करना है। क्या करना है बच्चों, लास्ट इसमें 20th टर्न फाइंड आउट करना है, कर लीजिए फाइंड, है ना। अभी तक तो हम लोग स्टार्टिंग से फाइंड आउट कर रहे थे, तो स्टार्टिंग से फाइंड आउट कर रहे थे, क्या हो गया हमारे पास, स्टार्टिंग जब फाइंड आउट कर रहे थे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था कि सर अगर हमारे पास ए है 3, बी है, बी कितना हो गया 8-3 करो, 8-3 कितना हो गया 5। तो हमारे पास टीएन का फॉर्मूला तो था ए प्लस एन माइनस बी। तो ये स्टार्टिंग से हम लोग टर्म निकालते थे, ये जो टर्म पता करते थे हम लोग, कहाँ से पता करते थे बच्चों, स्टार्टिंग से। हमें निकालना है लास्ट से, हमें निकालना है लास्ट से। तो लास्ट के लिए एक सिंपल सा और फॉर्मूला होता है, टीएन इज इक्वल टू एल माइनस L माइनस, L क्या होता है बच्चों, लास्ट टर्म, L क्या होता है लास्ट टर्म, A क्या था फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म में प्लस करते हैं, फर्स्ट टर्म में क्या करते हैं प्लस, फर्स्ट टर्म में प्लस और लास्ट टर्म में माइनस, तो लास्ट टर्म माइनस, बाकी वही रह जाएगा आपका TN इज इक्वल टू L माइनस N इनटू 1 माइनस D, है ना। TN इज इक्वल टू L माइनस N इनटू 1 माइनस D, स्टार्टिंग से निकालना रहेगा तो A प्लस, लास्ट से निकालना रहेगा तो L माइनस, L लास्ट टर्म, A फर्स्ट टर्म, तो बस हो गया ना। L कितना हमारे पास 253, तो TN 253 माइनस N, N क्या है बच्चों, N है, N तो नहीं, अच्छा N 20 है ना, N का वैल्यू क्या 20, 20 टर्म निकालना था ना, N का वैल्यू 20, ये 20 माइनस 1, D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू है 5, D का वैल्यू कितना बच्चों 5, D का वैल्यू 5 है, तो हमारे पास TN कितना हो गया 253 माइनस 19 इंटू 5, है ना। तो आपके पास क्या आ गया 253, अब इसको माइनस कर लीजिए, इतना सिंपल था, 13 में से 5 गया 158, जो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा 158, है ना, यानी लास्ट से 20 टाइम का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 158। चलिए बच्चों हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ एन एपी 129 120 111 102 ... यानी कि हमें इसका पहला नेगेटिव टर्म पता करना है ना, पहला नेगेटिव टर्म पता करना है कि क्या होगा, पहला नेगेटिव टर्म का वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म का वैल्यू क्या होगा हमें वो पता करना है, ठीक है। तो बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके पास ऐसा क्वेश्चन आया होगा, है ना, कि हम लोग 0 -1 -2 -3 -4 1 129, है ना, ये हमारे पास नंबर लाइन पर कुछ इस तरह से नंबर लाइन बनता है ना। इधर आपका नेगेटिव हो गया, बीच में आपका क्या हो गया 0 हो गया, और उधर आपका सारा क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। तो आप क्या कर रहे हैं, आप 129 से 120 की तरफ गए, 120 की तरफ से 111 की तरफ गए, उसके बाद 102 की तरफ गए, यानी वर्क क्या हुआ आपका, यानी कि 120 यहाँ पे कंसीडर करते, 111 यहाँ पे कंसीडर करते, 10 यहाँ पे कंसीडर करते, तो आप इधर की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों, आप पॉजिटिव नंबर से कहां बढ़ रहे हैं, नेगेटिव की तरफ बढ़ रहे हैं, 129 120 102, आप इधर बढ़ रहे हैं, तो इधर बढ़ते 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 0 क्रॉस कीजिएगा तभी आप नेगेटिव नंबर की तरफ बढ़िएगा। आपका रूट क्या है, रूट देखिए, आप 129 पे गए, उसके बाद 120 पे गए, 111 पे गए, 102 पे गए, उस तरह से आप नंबर डिक्रीज होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं, इसका मतलब आप 129 से लेफ्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या बढ़ रहे हैं बच्चों, लेफ्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो डिक्रीज होते 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 एक समय ऐसा आएगा कि वो 0 पे आकर रुक जाएगा, है ना, या 0 नहीं भी आ सकता, 0 आ भी सकता है या नहीं आ सकता, लेकिन 0 को क्रॉस तो जरूर करेगा ना, 0 को क्रॉस तो जरूर करेगा ना, है ना। यानी मान लीजिए किसी को ए से सी की तरफ जाना है, तो बीच में बी आ रहा है, तो बी पे वो रुकेगा भी या नहीं भी रुकेगा, लेकिन बी को क्रॉस करते हुए चले जाएगा। तो जब भी यहां से आ जाएंगे तो हम 0 को क्रॉस करते हुए नेगेटिव में जाएंगे, यानी कि अगर हमको नेगेटिव जाना है तो पहले 0 को क्रॉस करना पड़ेगा, पहले नेगेटिव जाना है तो 0 को क्या करना पड़ेगा बच्चों, क्रॉस करना पड़ेगा, यानी ये नंबर के लिए हमें 0 को क्रॉस करेंगे तभी हम नेगेटिव तरफ बढ़ेंगे। तो हम ऐसा पता कर लेते ना कि एक चीज तो चलिए कंफर्म हो गया कि 0 हमारे पास होगा, 0 हमारे पास होना चाहिए, या तो ये क्रॉस करे या फिर हमारा क्या करे सही में 0 पे आए, वो हमें पता नहीं, वो हमें चेक करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, तो अब हम क्या कर लेते हैं बच्चों, TN 0 होगा तभी आगे बढ़ सकते हैं, हम लेट सपोज जेड कर लेते हैं, TN इज इक्वल टू 0, क्या सपोज कर लिए TN इज इक्वल टू 0, यानी घटते घटते क्या आ गया TN इज इक्वल टू 0 पे आ गया। अब हम यहां से N का वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, यहां से N का वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे। तो N का वैल्यू कैसे निकलेगा, आपके पास यहां से A का वैल्यू 129,
डी का वैल्यू इन दोनों को माइनस कीजिए, 120 में 129 माइनस होगा, यहाँ पे तो माइनस 9 बचेगा, है ना। डी पे हमेशा ध्यान रखिए बच्चों, इससे इसका सब्ट्रैक्ट, तो 120 में 129 माइनस होगा तो माइनस डी बचेगा। तो टीएन इसमें तो हम जीरो लिखें, सपोज डेट देख के चलते हैं कि हमारा जीरो है उसका टर्म कि नहीं है। तो हम यहाँ फॉर्मूला पुट करते हैं, ए का वैल्यू आपके पास आ गया 129, एन माइनस 1, डी का वैल्यू तो आपके पास क्या माइनस 9 इक्वल टू 0। ये सेकंड के लिए इधर सेंड कर दिए हम, माइनस 129 यानी एन माइनस 1 इक्वल टू माइनस 129 डिवाइड बाई 9, माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये आपके पास क्या आ जाएगा। अगर इसको आप ऐसा, अच्छा एक सेकंड के लिए और रुक जाइए, इसको इधर भेज दीजिए, 9 प्लस 1 तो आपके पास आ गया, इसको आप ऐड कर दे तो 9 आपका हो जाएगा 129 प्लस 9 डिवाइड बाई 9 यानी 138 डिवाइड बाई 9, है ना। आपके पास कितना आ जाएगा 138 डिवाइड बाई 9। अच्छा अगर आप इसको फ्रैक्शन में लाते हैं, अगर आप इसको क्या लाते हैं बच्चों, फ्रैक्शन में लाते हैं तो आपके पास कितना नंबर हो जाएगा, 9 से डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा 4 3 यानी n का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 53/9, n का जो वैल्यू होगा बच्चों 53/9। अब आपको ध्यान क्या रखना है, n का वैल्यू आया 53/9, कभी भी n का वैल्यू फ्रैक्शन में आ सकता है, हम आपको स्टार्टिंग में बता देंगे n इज योर नेचुरल नंबर, n क्या आपका नेचुरल नंबर है, तो n का वैल्यू कभी फ्रैक्शन नहीं आ सकता है, यानी कि ये वाला टर्म का कभी भी tn जीरो नहीं आ सकता, लेकिन जीरो को क्रॉस किया होगा, कितना में टर्म पे क्रॉस किया होगा, तो इतने में टर्म पे क्रॉस किया होगा, ये टर्म बनेगा नहीं, लेकिन ये टर्म हमारे पास क्या है 15 और 16 के बीच में, ये जो टर्म है ये 15 और 16 के बीच में, यानी जब इस समय होगा तो वो जीरो को क्रॉस किया होगा, यानी कि एक सेकंड के लिए हम यहाँ पर से ए से सी की तरफ जाना है तो बी पे रुका नहीं, लेकिन इसका हम टाइम इंटरवल पता कर लें कि इतना समय इंटरवल में वो बी को क्रॉस किया है, बी पे रुका नहीं लेकिन इतना टाइम इंटरवल बी को क्रॉस किया, तो जीरो इसका टर्म है नहीं लेकिन जीरो क्रॉस किया है इतने टाइम इंटरवल पे, और ये टाइम इंटरवल 15 और 16 के बीच में। तो अगर हम n का वैल्यू 15 लेते हैं तो 15 16 आप दोनों चेक कर लीजिए ना, हम तो कहेंगे n का वैल्यू 15 16 दोनों लीजिए, 15 लीजिएगा तो आपका पॉजिटिव में ही आंसर आएगा, लेकिन 16 लीजिएगा तो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि ये जीरो है, लेट सपोज दैट ये जीरो है तो ये पॉजिटिव आंसर दे रहा है, ये नेगेटिव आंसर दे रहा है ना, पॉजिटिव से जीरो फिर जीरो से नेगेटिव की तरफ बढ़े, हम लोग ऐसे जो बढ़ रहे थे, हम लोग कैसे बढ़ रहे थे, ऐसे बढ़ रहे थे ना, तो 15वां टर्म पे हमारा पॉजिटिव, 16वां टर्म पे हमारा नेगेटिव, अब बीच में हमारा क्या है जीरो वैल्यू आ रहा है। आप दोनों का दोनों चेक कर लीजिएगा आपके सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आप दोनों को दोनों चेक कर लीजिए, हमारे हिसाब से तो पता चल गया कि n का वैल्यू 16 होगा तो ये नेगेटिव टर्म होगा, तो नेगेटिव टर्म इसका कौन सा हो जाएगा, n का वैल्यू 16, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टू d, a का वैल्यू क्या है बच्चों 129, n प्लस 1 को 16 ले रहे हैं हम लोग तो 16 माइनस 1 इंटू माइनस 9 है ना, तो tn इक्वल टू 129 प्लस 15 इंटू माइनस 9, 15 इंटू माइनस 9 कितना हो जाएगा आपका माइनस 35, यानी टीएन का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास माइनस 7, तो टीएन का वैल्यू हो जाएगा बच्चों वो आपके पास कितना हो जाएगा माइनस 7, यानी कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म इसका माइनस 7 होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म इसका कितना होगा बच्चों माइनस 7, है ना, आप लिख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज माइनस 7, और कितने पोजिशन पे होगा कौन सा टर्म होगा, देखो यहाँ पे बच्चों दो चीज हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पे फर्स्ट नेगेटिव टर्म बचा, अगर यहाँ पे बोलता विच, यहाँ से दो क्वेश्चन है, यहाँ पे तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म बोला है ना, अगर बोलता विच टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, विच टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो वहां पे सिर्फ n का वैल्यू पूछा जा रहा है, टर्म का मतलब n का वैल्यू पूछा जा रहा है, क्लियर है ना, तो विच टर्म बोलता तो वहां पे n का वैल्यू 16 लिखते हैं, विच टर्म बोलता तो n का वैल्यू क्या लिखते बच्चों 16 लिखते हैं, फाइंड द टर्म बोला यानी टर्म पता करना है, वैल्यू क्या है टर्म का, क्या है वैल्यू पता करना है, तो वहां पे हम क्या लिखेंगे माइनस 7, टर्म का वैल्यू पता करना है, क्या है आपका वैल्यू है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो उसका वैल्यू आया माइनस 7, विच टर्म कौन सा टर्म नेगेटिव है तो माइनस 16 टर्म है, क्या है बच्चों 16 टर्म। तो बनाने का तरीका एक बार फिर से देख लेते हैं, जब भी आपको नेगेटिव टर्म फाइंड आउट करना है, जब भी आपको नेगेटिव टर्म फाइंड करना है tn = 0 रख दीजिए, नेगेटिव टर्म फाइंड आउट करना है tn = 0 रख दीजिए, फार्मूला पुट कीजिए, है ना, n का वैल्यू अगर कट गया तो ठीक है, नहीं कटा तो उसके जस्ट अगला वाला होल नंबर ले लेना, जस्ट नेक्स्ट वाला 53/9 का जस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा, अगला वाला होल नंबर या नेचुरल नंबर 16 हो जाएगा, तो 16 आपका नेगेटिव टर्म काउंट हो जाएगा।
क्लियर बच्चों, समझ में आ गया सबको? चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए बच्चों, है ना। जो भी डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है आप जल्दी सॉल्व कीजिए, होमवर्क सेंड कीजिए।